तो ओंकार को यहाँ पर मध्य में देखो या गुरुदेव को देखो, जैसे सुरेश ने सारी विद्याओं की कुंजियां पाने अपने गुरु का दर। तो सुरेश वे सत्संग करने में आगे बढ़ने की भावना से ध्यान करता है, तो सत्संग में आगे बढ़ गया कि नहीं बढ़ा। अब आपको अगर वैसा बनना है प्रसिद्ध, मन चाहिए चीज यूं करके लाने की, तो मैं बताता हूं तरकीब। तुम लोग करोगे नहीं, ये जरा लंबा समय है, लंबा रास्ता है। इससे तुम मोक्षदा बुद्धि के लिए अच्छा रास्ता और अच्छा माल है, लेकिन बता देता हूं ऐसे करते 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 आपकी एकाग्रता हो जाएगी। फिर आप यूं देखोगे तो आपको अपना चेहरा या अपनी आकृति प्रकाश जैसी इधर उधर दिखने लगेगी। फिर जरा अभ्यास और बढ़ा दो, फिर आप उस अपनी आकृति को आईने में देख रहा है, कहो कि बाहर निकल, बाहर जाओ। आप खड़े होकर बाहर जाओ, फिर यूं कल्पना करो कि बाहर गई। अब उसको आप बोलो कि जाओ जयपुर, जाओ करेले का अचार ले आओ। लाएगा कि नहीं, ये संकल्प विकल्प नहीं करना। जयपुर का अचार करेले का, जोधपुर के गुंडे का अचार ले आओ, गुंडे का आचार हो जाएगा, पुरानी चीज लाओ। तो ये एक प्रकार की साधन होती है कि अपनी मानसिक शक्ति से मन चाहिए चीज आप मंगा सके। जहां रखी हो, कंकू रखा है, बबूत रखी है, कोई चीज रखी है किसी अपने गोदाम में, किसी को देने, तो आप अपने ही आई और फिर आप यूं करके दे देंगे। जादूगरों के बस का नहीं है, हाथ चलाकी वालों के बस का नहीं, इसके पीछे गहरी साधना है। लेकिन ईश्वर प्राप्ति के साथ इसका कोई विशेष संबंध नहीं। मोक्षदा बुद्धि इससे भी ऊंची होती। भगवत समर्पित बुद्धि इससे भी ऊंची होती। समझो मैंने मन चाहे चीज आपको लेकर दे दी, तो आप मानेंगे भगवान है, आप इंप्रेस हो गए, प्रभावित हो गए। इससे मुझे क्या होगा, थोड़ी वाहवाही मिलेगी, लेकिन मरने वाले शरीर की वाहवाही कब तक, और आपका भला क्या हुआ? आपको इंप्रेस करके मेरा भला क्या हो जाएगा, आपका भला क्या हो जाएगा? इसलिए हम इस पचड़ों में नहीं पड़े। बाकी मैंने पापड़ बहुत वेले नारायण हनुमान जी की साधना की और पेड़ पे चढ़ जाते थे, काली की साधना की, क्या क्या हमने पापड़ वेले। लेकिन तुम्हारे इस युग के अनुसार आपके लिए जो मैं बताता हूं बिल्कुल सार सार बात है, कल्याणकारी। आप 5 से 7 मिनट इस प्रकार जप करके यहां ओंकार को, गुरु को, भगवान को देखें, फिर मन इधर उधर चला जाए, फिर आप ये करें, फिर मन को कह बैठ शांत, फिर मन में अच्छे विचार भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, और जो जो करोगे तो मन भागता हुआ दिखेगा। संसार में होते तो कुछ पता नहीं, लेकिन जब ध्यान करते तो मन परेशान करता है, बैठने नहीं देता। बैठने दे चाहे न दे, बुरे विचार आए चाहे अच्छे विचार आए, न अच्छे विचार आए उनसे चिपको, न बुरे विचारों से चिपको, आप तो बैठे रहो। बोले मन लगता ही नहीं, नहीं लगे तो मरे, हम तो भगवान में बैठे। ऑफिस में मन लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन हम तो ऑफिस में बैठे, पगार चालू, तारा बाप लोग आई जाए। दुकान पे नौकर का मन लगे, ठेकेदार के यहां मजदूर का मन लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन उसकी दानगी चालू। अच्युत परमात्मा स्मरण मात्र से प्रसन्न होते, और यंत्रयामी देव का नाम है। हरि ओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी गुरु मंत्र है भगवान का ही नाम है सीधा। तो भगवान का स्मरण, जैसे बच्चा कह देता माँ माँ मैया मैं तुम्हारा हूं, तो माँ पानी पानी हो जाती। वैसे आप जब करेंगे तो भगवान अंदर से प्रसन्न हो जाते, और फिर आपकी बुद्धि में धीरे धीरे जितनी आपकी योग्यता उतना थोड़ा थोड़ा थोड़ा। एक दिन में आप PhD होके तो स्कूल कॉलेज से नहीं आते, एक दिन में आप एक क्लास पास करके तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप पास होते होते ग्रेजुएट हो जाते। ऐसे आप अभ्यास करो तो अभ्यास योग युक्त न चित सामान्य गामी, अन्य
अन्य से व्यवहार करोगे लेकिन आपको लगेगा कि अन्य अन्य की आंखों में देखने वाला अनन्य है, अन्य अन्य के हृदय में धड़कन लेने वाला अनन्य तू ही है परमात्मा। कीड़े में तू नानो लागे, तुम ज्ञान तुम्हारी खोपड़ी में तूज दे मारा अंदाता के नमक है ने खांड है ने मारा बच्चा है ने बरसात रा दिन है अतवी अक्कल कीड़ी रे देवा वाला तो मने भी अक्कल दे रहा और तूज दे मारा धनी। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो जुम, मन मावत ने माते बैठो आंकर वालो तू रतु हूं, एरो खेल रचो मेरे दाता जान देखो मां तू रतु। बल बालक ने रोवा लागो छानो राखण वालो तू, माँ के अंदर छानो राखण वाला भी तू, ले जोड़ी में मागन लागो देवा वालो दाता तू, ए बेन रोटी को टुकड़ो दीजो दो रुपया दीजो भगवान तारो वेलो करे, ए भाई वो डोकरी हो रे ए हरिया बिखर एले एले मारे बोरे मत गेजो, वो आजकल रे जमान नहीं है, वो पड़ो घर में झगड़ो करी ले जा 5 रुपया ले जा। देवा वाले में वो में तो वो में आंखों दिखावा वाली बुआ दिखावा वाली वो में तू, अने वो डोसी के दया भाव में तू, अने बेकारण में कौन है, ले जोड़ी में मागण लागो देवा वालो दाता तू, कर चोरी ने भागन लागो पकड़ने वालो खाकिरे अंदर तू रो तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता जा देखो मां तू रो तू। जल थल में मत्स्य कच्छ जो घूम रहे उड़ में भी चेतना तेरी, जल थल में तू विराजे भूत जंत्र भयो तू, कत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु भी बन के बैठो तू, बाप भी बन के बैठो तू, और उदयपुर वाले और बाड़े बन के बैठो तू, गुरु भी बन के बैठो तू, वक्ता भी बन के बैठो तू, श्रोता भी बन के बैठो तू, एड़ो खेल रचो मेरे दाता जा देखो मां तू। ऐसे चिंतन करने से भगवान प्रसन्न होंगे और मोक्षदा बुद्धि का विकास होगा। मोरो है तो बंधन दा मुक्ति, लेकिन ये सब में भगवान है वासुदेव सर्वमिति, जहां जाना है वहां की पहले से भावना करो तो जल्दी सिद्धि होगी, जिधर जाना है ना उधर का पहले लक्ष्य बनाते। अभी मेरे को आज गोविंदा जाना है तो बैठा तो इधर हूं लेकिन मन से गोविंदा कई बार चला जाऊंगा, 5 बजे 5:30 बजे जाऊंगा लेकिन अभी से गोविंदा जा रहा हूं। ऐसे भगवान का अनुभव जब भी होगा, भगवान तो है, भगवान का अनुभव जब भी होगा वासुदेव सर्व में, तो उसी का अभी से करो ना कि सब में तू रो तू तो थारा बाप रो कही जाए, सासू में तू वह में तू ननन में तू तो भाजी में कौन, भाभी में तू तो दीराणी में कौन, जेठानी में कौन, तू रो तू, झगड़े बगड़े सब कम हो जाएंगे, अशांति कम हो जाएगी, भय कम हो जाएगा, चिंता कम हो जाएगी, बीमारियां कम हो जाएगी, थारा बाप रो कही जाए। डैडी वाला मैं तू मैंने डैडी नहीं है भाई, हमें एक बात पूछू हज चुके जो मैंने